ऑलराइट क्लास 10, आज बात करते हैं रिवीजन आपके चैप्टर सेकंड फेडरलिज्म की। व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म हमने देखा, फेडरेशन हैज टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, बोथ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। फेडरलिज्म दो तरह की सरकारों का सिस्टम है जिसमें हर एक सरकार आजाद होती है, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होती है और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर ही अपने काम करती है। One is the government for entire country and that is usually responsible for a few subjects of common national interest. इनमें से एक सरकार होती है पूरे देश के लिए जिसे कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट और दूसरी होती है स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट। आपने देखा था डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म। यूनिटरी स्ट्रक्चर बात करता है एक ही तरह की सरकार जो पावरफुल होती है, जो अपने नीचे आने वाली सरकारों को ऑर्डर पास करती है। फेडरल स्ट्रक्चर में आपने देखा था दो या दो से ज्यादा तरह की सरकारें होती हैं और सभी सरकारें एक दूसरे के कंट्रोल से फ्री होती हैं और अपने अपने रीजन में या अपने अपने एरियाज में रहकर काम करती हैं। की फीचर ऑफ फेडरलिज्म, की फीचर क्या था कि टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट वी हैव, ईच टियर हैज इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन। हर एक का अपना अलग ज्यूरिडिक्शन होता है जहां पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डिसीजन लेता है। फंडामेंटल प्रोविजन जो है वो चेंज नहीं किए जा सकते किसी भी एक सरकार के द्वारा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो चेंज नहीं कर सकती कोई भी एक सरकार। कोर्ट हैव पावर टू इंटरप्रेट, कोर्ट को पावर डिफाइन करने की यहाँ पर ताकत दी गई है। सोर्सेज आर क्लियरली स्पेसिफाइड, इनकम कहाँ कहाँ जाएगी वो यहाँ पे क्लियरली बताया गया है। फेडरल स्ट्रक्चर हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव, इसके दो ऑब्जेक्टिव है क्या, टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी एंड अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, लोगों में एकता की भावना को विकसित करना और दूसरा विभिन्नताओं को एक साथ जोड़े रखना। डिफरेंट रूट्स जहां पे फेडरेशन बनते हैं, पहला है कमिंग टुगेदर जहां पे ये सारे एक साथ मिलकर आते हैं, बाकी सारे अलग अलग इंडिपेंडेंट होते हैं। होल्डिंग टुगेदर जहां सारे एक सरकार के नीचे रहते हैं, जहां पे यूनियन गवर्नमेंट पावरफुल होती है। इंडिया को फेडरल कंट्री क्या बनाता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट का स्ट्रक्चर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, जो कहता है कि हर एक लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर सरकार ही जिम्मेदार है। यूनियन के लिए यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट, कंकरेंट के लिए दोनों सरकारें, लेकिन चलेगी यूनियन गवर्नमेंट की लास्ट अगर कन्फ्यूजन होता है तो। भारत में फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, हमने लिंग्विस्टिक स्टेट बना रखे हैं, सेम स्टेट सेम लैंग्वेज, सेम लैंग्वेज सेम पीपल, लैंग्वेज पॉलिसी है, ऑल लैंग्वेजेस आर इंपॉर्टेंट, वी हैव 22 लैंग्वेजेस रादर देन हिंदी। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स आर गेटिंग बेटर इन दिस कोलिशन गवर्नमेंट टाइप ऑफ एरा, यू हैव सीन। तो ये तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे हमारा फेडरलिज्म चल रहा है। इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत जो थी वो बहुत पहले थी, 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट कर दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार किया गया था कि भाई अब के बाद थर्ड टियर गवर्नमेंट जो होगी वो 100% काम करेगी, उसका इलेक्शन होगा, उसके लिए इनकम सोर्स दिए जाएंगे, उसको पावर दी जाएंगी। तो वो कौन सी थी, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति, जिला परिषद, ये सारा ग्राम पंचायत का एरिया है। गांव के लिए ग्राम पंचायत, फिर कुछ ग्राम पंचायत मिलकर पंचायत समिति बनाती हैं और फिर एक डिस्ट्रिक्ट की सारी पंचायत समिति मिलकर जिला परिषद बनाती है। और शहरों में ये होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी जिसे कहते हैं, जहाँ पे मेयर हेड होता है। सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट क्या है, इसका फायदा ये है कि इसने हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी को बहुत ही लार्ज लेवल पे पहुँचाया है, हर एक नागरिक तक पहुँचाया है, हमारी डेमोक्रेसी को डीप किया है, वेमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाया है, यहाँ पे उनकी आवाज़ उठाई है डेमोक्रेसी में। सो दीज आर द एक्सरसाइज, यू कैन डू दिस, दिस इज द मैप वर्क, ओके, दिस इज द पोलिटिकल मैप फॉर द वर्ल्ड, दिस इज इंडिया। After that, point out one feature in the practice of federalism in India that is similar to and one feature that is different from that of Belgium. Belgium से भारत कैसे अलग है, दोनों में federalism होता है लेकिन किस point में एक जैसे हैं, किस point में एक दूसरे से अलग हैं। What is the main difference between federal form of government and unitary one? ये हमने discuss किया है। State two difference between the local before and after constitution amendment 1992 के पहले और बाद में क्या फर्क है local government के structure में। This is fill in the blanks. Now you have to match this. Again match. And this, which one is
राइट This is all about your chapter. Okay. So now work on your NCERT exercise. Okay. Thank you for stay tuned.